ये कहानी आपके जीने की सोच बदल देगी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर जाता है। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपनी सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप में शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत करता रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़कर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते रहे, वैसे वैसे वह हिल हिल कर हर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर बढ़ जाता था। जल्द ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कुदककर बाहर भाग गया। तो दोस्तों, ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी, जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपको आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता में ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको दुखी होकर कुएं में नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। थैंक यू।